असल मेरा नाम अली है और यह है मोस्ट डिपेंडिंग फोन स्पार्क नियो सेवन अल्ट्रा बहुत डिमांड आ रही थी भाई आप लोगों की तरफ से तो फाइनली आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं इस फोन के साथ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है और वैसे जितनी महंगाई पाकिस्तान की मार्केट में हो गई है काफी एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया गया यह फोन पैंतीस हजार नौ सौ निन्यानवे ऑलमोस्ट छत्तीस हजार रुपए की रिटेल प्राइस है ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है बट भाई मेन मुद्दा तो ये है ना कि एक्सपीरियंस क्या आता है क्या नहीं और किन ब्रांड्स को ये कंपीट करता है तो आज की स्वीडियो में सभी कुछ क्लियर करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस करते ही आपको इस तरह से बॉक्स मिलेगा जिसपे न्यू सेवन अल्ट्रा स्पार्क्स को मेंशन किया गया है कलर ब्लू वाला जिससे मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं वैसे आपको इसमें गोल्डन हेज कलर भी मिलता है जो कि गोल्ड व्हाइट देता है कैमल कलर टाइप है और बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर डिवाइस मिलती है जिसमें प्री अप्लाइड स्टीकर होता है और उसके नीचे हमें एक देखने को मिल जाता है स्क्रीन गार्ड अच्छी बात है कि फॉरन से अगर आपको कोई प्रोटेक्टिव केस लगाना है फ्रंट साइड पर तो स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पैकेजिंग मिलती है और इस पैकेजिंग में एक सिलिकॉन केस को रखा गया है जो कि वन

बाकी बॉक्स में कुछ नहीं मिलता तो फाइनली बॉक्स को रखते हैं साइड पर डिवाइस को लाते हैं सामने और सबसे पहले इसके हाईलाइटिंग फीचर की बात करते हैं तो मैंने आज तक इतनी एग्रेसिव प्राइस में इस तरह का डिजाइन नहीं देखा एक तो भाई ये एक ग्लास बिल क्वालिटी में आता है और रियर पर आपको डुअल कैमरा सर्विस शेप में देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी प्रीमियम लुक बनाते हैं और इसकी लुक जैसे मिलते जुलते अगर आप इंडियन चैनल्स को फॉलो करते हैं तो लावा टाइप का आपको ब्रांड देखने को मिलता है बट भाई एस के भी फोन लॉन्च हुए हैं ये बिल्कुल सिमिलर उसी टाइप की प्रोवाइड करता है रियर साइड फ्लैट है फ्रेम अलग से बनाया गया है बैक अलग से बनाई गई है फ्लैश टाइट है स्पार्क्स की ब्रांडिंग देखने को मिल मिलाती है और काफी खूबसूरत लुक देखने को मिल जाती है बॉक्सी डिजाइन में आता है फ्रेम ऑल दो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ग्लॉसी या क्रोम प्लेटेड देखने को मिलेगा ये एक प्लास्टिक फ्रेम है जहां पर एक साइड पर वॉल्यूम रॉकर कीज और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ की और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है ऊपर वाली साइड पर नॉइस कैंसिलेशन माइक को भी रखा गया है ये बात याद रखिएगा कि बजट रेंज सेगमेंट में जितने भी फोन आते हैं बहुत कम फोन आते हैं जिनके अंदर हमें जो है ना वो डेडिकेटेड एक नॉइसेशन माइक देखने को मिल जाता है दूसरी साइड पर एक सिम ट्रे को रखा गया है दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है बॉटम की साइड पर थ्री पॉइंट का जैक अवेलेबल है अगेन यहां भी एक माइक मिलता है जो कि प्राइमरी माइक होता है और आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है और सिंगल स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है इनहन फील की बात करता हूं अब देखो भाई ग्लास बिल क्वालिटी है तो वेट तो आपको फील होने वाला है दो सौ ग्राम का वेट है फोन का अगर आप सिलिकॉन केस लगाते हो तो ऑलमोस्ट दो से तीस ग्राम का वेट आपको इस फोन का देखने को मिलेगा और थिकनेस अराउंड और कुछ यहाँ पर जो है ना वो एट पॉइंट अराउंड जो है निकलती है पूरा का पूरा बॉक्स हैंड फील अच्छी है वेट इंप्लीमेंट की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि एक हाथ से अगर आप कैरी करते हो तो फोन ऊपर वाली साइड से झुकता है कैरी करने में भी इजी लगता है और पूरी की पूरी लेटेस्ट फील प्रोवाइड करता है तो डिज़ाइन में टेन आउट ऑफ टेन है इतने प्राइस सेगमेंट में कोई भी फ़ोन आपको इस टाइप की या कोई भी ब्रांड अगर इन्फेनेक्स टेक्नो रेडमी रियलमी को भी अगर आप देखते हो आपको ये बिल्कुल क्वालिटी ऑफर नहीं करता तो भाई यहाँ पर जो स्पार्क्स न्यू सेवन अल्ट्रा है डिजाइन में आउट ऑफ टेन है बट अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो सिक्स पॉइंट फाइव टू इंच का पंच होल डिस्प्ले है अब इसी प्राइस सेगमेंट में हम लोग जितने भी ब्रांड्स को देखते हैं अगर बॉक्स पैक फोन ही लेना है तो भाई सभी नॉच डिस्प्ले ऑफर करते हैं तो यहां पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है ऑल दो बेजल्स आपको कम मिलेंगे बट चिन यस अभी भी अवेलेबल है बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा फोन लेके आएंगे तो उसमें बेजल और भी चिन और भी कम की जा सकती है ये एक सेवन ट्वेंटी पिक्सल का आईपीएस पैनल है एच डिस्प्ले देखने को आ, मिलता है सेंट्रल पर्चुअल कटआउट के साथ साथ यहां पर आपको 90 हर्ट्स का रिफ्रेश मिलता है एक छोटा सा सजेशन है साइंटी हर्ट से टेन एडी भी दे देते दे 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 थे ज्यादा बेटर था बट यस yes, नाइन्टी हर्ट्स स्मूथ है ऊपर वाली साइड पर टू पॉइंट फाइव डी कर्व्ड ग्लास है मैं कहीं मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ कि भाई ये थोड़ा सा स्लो एनिमेशन या जिटरीनेस ऑफर करता हो यहाँ पर आपको नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश एक स्मूथ डिस्प्ले ऑफर करेगा तो डिस्प्ले में नाइन हर्ड्स एक अच्छा अपग्रेड है बट येस टेन ए डी बी बहुत बेटर करती है वैसे अगर नाइट नेटफ्लिक्स वगैरह इन्जॉय करना हो तो आप वाइड वन एल थ्री की सपोर्ट मिलती है फोर ए टी पर यहाँ पर नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हैं इंडोर लाइट की विजिबिलिटी ओके okay है थोड़ा सा ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट वाली साइड पर है बट येस yes, अगर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर एम्बियंस अच्छा है मतलब अगर आप बादल बादल में यूज करते हैं तो यस डिस्प्ले विजिबल ठीक है बट बहुत ज्यादा हार्श लाइट में सेवन ट्वेंटी पी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है बट ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस इज गुड अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट में देखता हूँ तो रेडमी ने भी रिसेंटली दिया है Redmi का 12C उससे डिस्प्ले काफी बेटर है इवन Realme का C35 देख लें अगर Infinix का आप Hot 12 टाइप का फोन देख लेते हैं उनसे ये फोन काफी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है लेकिन वहीं पर हार्डवेयर की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हैं तो आपको नंबर ऑफ हार्डवेयर देखने को मिलते हैं कहीं पर इस तरीके से बट नहीं भाई ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको यूनिसक का टी सिक्स वन सिक्स देखने को मिल जाता है टू पॉइंट जीरो ऑक्टा को प्रोसेसर है माली जी फिफ्टी सेवन का जीपीयू है और हाँ एक चीज में करता हूं कि जी एटी फाइव को सीपीय काफी हद तक कंपीट करता है और जी पीयी में थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है बट ओवरऑल जी एटी फाइव से अगर इसको कंपेयर जाता है तो काफी बेटर है और अच्छी बात यह है कि इनफिनिक्स टेक्नो की तरह यहां पर कस्टम नहीं है स्टॉक एंड्रॉइड विद एंड्रॉइड 12 है जो कि स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है फ्यूचर में कोई अपडेट्स वगैरह अगर आ जाए तो वो ज्यादा बेटर है अब ये ब्रांड पे डिपेंड करता है क्योंकि पहली बार हम लोग ऐसे ब्रांड की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर ओवरऑल एक स्मूथ एक्सपीरियंस है प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ज्यादा नहीं मिलती एड वैड वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा और हाँ परफॉर्मेंस पे इन रैम मेमोरी अच्छी रख लेता है यूएफएस एफ टू पॉइंट टू का स्टोरेज है जो कि वन टू एट जी है और छह जीबी का रैम है इतने प्राइस सेगमेंट क्या पैंतालीस हजार रुपये में भी अगर आप देखोगे तो वीवो ओप्पो के फोन अगर देखते हो आपको चार जीबी वाले वेरिएंट मिलते हैं यहां पर छह जीबी वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है जहां पर एप्लीकेशन लोडिंग टाइम मुझे ठीक देखने को मिला है इवन इन

तो आपको सौ डॉलर वाली डिवाइस अगर हम लोग दो साल पहले भी एक्सपीरियंस करते हैं तो जायरो हार्डवेयर बेस्ड नहीं मिलता था इवन जायरो मिलता ही नहीं है तो इस फोन के अंदर भी जायरो नहीं है लेकिन अगर आप पब्जी वगैरह खेलते हो तो आपको फोर्टी एफ तक का गेम प्ले प्रोवाइड कर देता है विदाउट जायरो गेम प्ले ओके okay है बट एक चीज आपने जो है ना वो माइंड में रखनी है ग्लास बिल्ड क्वालिटी है तो अगर आप विदाउट ए वाले रूम में कहीं पर खेलोगे थोड़ा बहुत टेम्परेचर गेन होता हुआ मिलेगा मतलब फोर्टी टू फोर्टी तक टेम्परेचर चला जाता है बाकी ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस अगर मैं देखता हूँ नॉर्मल या कैजुअल गेमिंग के हिसाब से सिर्फ बॉक्स पैक ही फोन लेना है तो येस गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक है विदाउट जेरो अगर आप ईडीएस पर गेम प्ले करते हो और उसके साथ साथ इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए पांच हजार एम की बैटरी है अट्ठारह वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है टाइप सी की कनेक्टिविटी है यस yes, गुड थिंग क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि Redmi 12C के अंदर हमें जो है ना अब एक 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग और माइक्रो यूएस मिलती है यहां पर हमें जो है ना वो टाइप सी वाली कनेक्टिविटी है इवन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे के अराउंड फुल चार्ज होता हुआ मिला बट स्क्रीन ऑन टाइम की बात करता हूं तो दस घंटे तो इजिली भाई ये बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है इवन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको भी एक्स्ट्रा फोन चाहिए मतलब उसने आईफोन रखा हुआ है नॉन पी के लिए और ये फोन रखना है उसने सेकेंडरी के लिए तो यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा बट अगर कैमरा एक्सपीरियंस की बात करता हूँ फ्रंट साइड पर तेरह मेगा का कैमरा है टेन एड डी थर्टी की वीडियो रिकॉर्ड करता है और बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं अगेन बैक पे भी आपको टेन एड बी थर्टी की वीडियो देखने को मिलेगी नॉट इंप्रेसिव मतलब अगर बजट रेंज सेगमेंट को देखता हूं तो कंपैरेटिवली वैसा ही काम करता हुआ नजर आया जैसा कि बाकी फोन करते हुए नजर आए कहीं एक्सपोजर और कहीं डायनेमिक रेंज के अंदर स्ट्रगल करते हैं बट इस रेंज के अंदर देखते हैं तो सभी फोन्स का कैमरा नॉर्मली हमें एक जैसा देखने को मिल रहा होता है बट वीडियो कॉल वगैरह के लिए आप कैमरास के साथ अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हाँ अगर आप क्लोज शॉट्स शॉर्ट्स कैप्चर करते हैं एम्बियंस अच्छा है सॉफ्ट लाइट है तब आपको डिटेल तो ओके देखने को मिलेगी जो कि बजट सेगमेंट में होता है बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा पोर्टेट में कहीं ना कहीं एजिस को जराना डिटेक्ट नहीं कर पाता इसको मजीद ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है कंपनी को बरअल कैमरा फोन के हिसाब से एक बैलेंस कैमरा फोन है नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर तो यहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलती है सिम सिंगल स्पीकर मिलता है क्योंकि बॉटम साइड पर है साउंड क्वाइट गुड जैसा कि सिंगल स्पीकर का होता है बाकी इस फोन के अंदर आपको फोर जी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है वी की भी सपोर्ट मिलती है फोर जी प्लस इस फोन के अंदर नहीं रखा गया तो ओवरऑल ये था मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ कॉल कनेक्टिविटी ओके है कॉल रिकॉर्डिंग वाला डायलर नहीं है जी क्योंकि स्टॉक एंड्रॉड है तो आपको यहाँ पर गूगल का अपना डायलर देखने को मिल जाता है तो वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना वो ईमानदार वाली देखने को मिलेगी अब मेरा ये एक्सपीरियंस था फाइनल कंक्लूजन की बात करता हूँ नो डाउट डिजाइन बिल्ड क्वालिटी इज बेटर डिस्प्ले में और इंप्रूवमेंट चाहिए कैमरा में और इंप्रूवमेंट चाहिए बट परफॉर्मेंस डे टू डे यूजेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक निकल कर आती है तो आपको कैसा लगा स्पार्क न्यूज सेवन अल्ट्रा डू लेट पी नो इन कमेंट सेक्शन और अगर आप किसी मजीद किसी फोन के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा बस आज की वीडियो में तें मुलाकात तो होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग किसी नए रिव्यू किसी नए कंपेरिजन के साथ तब तक मुझे दी इजाजत मैं हूं बात शिक से पाकिस्तान फैदाबाद हाफिज